जय हिंद साथियों, एसकेटेक ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम बताए थे समांतर श्रेणी, ठीक। तो समांतर श्रेणी का जो भी क्वेश्चन था, जो भी कंसेप्ट था, वो हम आपको बता चुके हैं। अब इससे आगे का चैप्टर है, इसी चैप्टर में आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक। तो देखिए, गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, बेसिक उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले से बनता है, ठीक ना। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई श्रेणी है, ठीक, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, a, ar, ar2, ar² ar³, ……n तक गया है, ठीक। ये क्या हो गया, एक श्रेणी है, हम पहले ही मान लिया कि ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक। गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक। तो गुणोत्तर श्रेणी में अगर है तो पूछ रहा है कि ये लास्ट वाला जो पद है, ये जो यनमा पद है, ये लास्ट वाला पद है, ये लास्ट वाला पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। तो लास्ट वाला पद ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है, यनमा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, वो क्या होता है, ar^n-1, ठीक। जैसे क्या होता था समांतर श्रेणी में, tn बराबर a+n-1 × d, ठीक। तो यहां पे d क्या होता था, डिफरेंस समांतर, ठीक। अब यहां जो r है वो क्या हो जाएगा, रेशियो, ठीक। अब ये r का मतलब रेशियो, तो रेशियो ये कौन सा रेशियो हो गया, इसको r को हम कैसे ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला में तो a दिया हुआ है, r दिया हुआ है, n^1 दिया हुआ है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है, देखिए, ये a तो इसमें भी है और इसमें भी था, समांतर श्रेणी में भी a था और गुणोत्तर श्रेणी में भी a है। ये a का मतलब दोनों में सेम है क्या, प्रथम पद, ठीक। तो ये तो बड़े आसानी से निकाल देंगे, प्रथम पद आपको दिया हुआ है, निकाल दिए, ठीक है। अब आपके पास ये r का लफड़ा आ गया, ठीक, उसमें तो d था, तो पता था कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं तो सर्वांतर ज्ञात हो जाता है d, लेकिन अभी r दे दिया है, r का मतलब रेशियो, तो रेशियो का मतलब है क्या समझे, कि अब दूसरा पद में पहला पद से भागा दे देंगे, ठीक। तो देखिए, दूसरा पद में क्या करेंगे कि पहला पद से भागा दीजिए, दूसरा पद क्या है, ar, और पहला पद क्या है, a, ठीक। भाग दिए तो कितना आया, r आ गया ना। अब देखिए, तैयार आ गया, अब देखिए तीसरा पद क्या है, ar² और दूसरा पद क्या है, ar, जब भाग दिए a से a कट गया, r से r कट गया, कितना बचा, r, दोनों में देखिए क्या है, रेशनल सेम है, ठीक। तो यही r का वैल्यू हो गया, पहले हम लोग दूसरा पद में से पहला पद घटा के निकालते थे d अंतर, अब दूसरा पद में से पहला पद को भाग देके निकालते हैं क्या, रेशनल, इसलिए उसको हम r लिख दिए। अब आपको यह तो दिया हुआ रहता है कि कैमा पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, बोल देगा 15वां पद, 20वां पद, 25वां पद, जो भी पद बोल दे वो पद आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो ये पद आपको दिया हुआ रहेगा, तो बस मान से पुट कर देना है, मान क्या पुट करेंगे, tn बराबर a का मान पुट किया हुआ वही जो पहले समांतर श्रेणी में प्रथम पद था, वही गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद हो जाएगा, पहला वाला पद a, ठीक। r क्या, उसमें डिफरेंस होता था d, सर्वांतर, और इसमें क्या हो गया, रेशनल, रेशनल क्या होगा, सेम होगा, रेशनल मतलब क्या, ar में से a से भागा देंगे, यानी कि द्वितीय पद में प्रथम पद से भागा देंगे, तो जो रेशनल आएगा, ठीक, वही अगर तृतीय पद में द्वितीय पद से भागा देंगे तो जो रेशनल आएगा, दोनों बराबर होना चाहिए, अगर बराबर है तभी हम क्या कहेंगे कि गुणोत्तर माध्य में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर बराबर नहीं आया तो गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है, ठीक। तो इसी से यह फॉर्मूला हो जाएगा, हो गया, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें निकालते थे अंतिम पद, अब इसमें एक पद ये भी निकालते थे कि यह पदों का योग, ये जो टोटल पद है
ये टोटल का योग भी निकालना है, निकालते थे ना समांतर श्रेणी में, तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या करेंगे? ये तो हम जान गए कि क्या करते हैं, आर भी जान गए कि कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका से देखिए हम निकाल दिए ना, दोनों का अंतर क्या है, समान है दोनों का रेशियो आर है, ठीक। तो देखिए सब चीज हमको पता हो गया, बस वही चीज पूर्ण कर दीजिए, अगर पदों का योग पूछेगा तो प्रथम पद गुने रेशनल के पावर एन, जितना पद है उतना पावर हो जाएगा माइनस वन और बटे आर माइनस वन, कब, जब आर का मान एक से बड़ा हो, ठीक। जब ये रेशनल जो होगा, ये जो रेशनल आएगा आर का मान जो आएगा वो क्या होना चाहिए, बड़ा हो, एक से बड़ा हो, तभी काम हम कर सकते हैं, ठीक, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर r के मान एक से छोटा होता, जैसे अगर r का मान दो हो, तीन हो, चार हो, तब तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन अब जब r का मान क्या हो, एक से छोटा हो, यानी कि 0.5, 0.8, तो क्या है, एक से छोटा है आर का मान, जब आर का मान एक से छोटा हो जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या, a इंटू वन माइनस आर के पावर n और बटे वन माइनस आर हो जाएगा, ठीक। जब आर का मान क्या हो, एक से छोटा हो, अब क्या करता है, दूसरा क्या है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग, अब क्या कर रहा है, करना कुछ नहीं है, देखिए करना क्या है, ठीक ना। अब यहां पर बोल रहा था कि पहले पद की संख्या दिया हुआ था, ठीक, कि 10 पद है, 20 पद है, 30 पद है, 18 पद है, जो भी है, पद की संख्या दिया हुआ था कि कितना पद है। अब क्या करा कि पद का संख्या नहीं दिया हुआ है, इन्फिनिटी है, जाते रहेगा, सिर्फ ही बोल दिया कि गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक, लेकिन इन्फिनिटी पद है, ठीक ना, पद का कोई लिमिट नहीं। अब पूछेगा कि उसका योग ज्ञात कर दीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसका योग ज्ञात करने के लिए सीधा क्या करेंगे कि प्रथम पद तो आपको पते है, ठीक, प्रथम पद बटे वन माइनस आर, आर जहां क्या है, रेशनल, जो रेशनल आ रहा था द्वितीय पद में से पहला पद से भाग दे रहे थे, तो जो आ रहा था भाग फल, और द्वितीय पद में जब पहला पद से द्वितीय तृतीय पद में जब दूसरा पद से भाग दे रहे थे तो जो भाग फल आ रहा था, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक ना, तो वही जो आ रहा है, ठीक, उसी को फिर कर देंगे कि प्रथम पद बटे वन माइनस रेशनल, तो जो आ जाएगा अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग आ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी तक जब रहेगा तब, ठीक है। तो इन्फिनिटी तक के लिए ये हो गया, इन्फिनिटी तक के लिए, ठीक है, अब तो इन्फिनिटी तक के लिए ये हो गया, ठीक, और ये जो हो गया है कितने तक हो गया, यह पदों तक, ठीक, बस इसी पर है, आगे एक और है, ठीक ना। अगर आपसे पूछ दे कि ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या जानते हो, अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक, यानी कि अगर जो दो को पद दे दे, ए प्रथम पद ए पद दे दे और बी पद दे दे, ठीक, और उसके बाद आपसे पूछे ए और बी दो को पद दे दे, मान लीजिए कि दो है और चार दे दे, दो को संख्या दे दे, आप बोले कि इसका गुणोत्तर माध्य निकालिए, ठीक, तो इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का अंडर रूट, ठीक, तो ये हो जाएगा ए और बी का गुणोत्तर माध्य, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखो निकलता गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 2100, 5120 होगा, ठीक, ठीक है, तो कहता गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 5120 होगा, ठीक, तो पहले लिख लो क्या है, 5, 10,
बीस चालीस डॉट डॉट डॉट, यह हमसे पूछ रहा है, यह दिया हुआ नहीं है, ठीक ना, यह हमसे पूछ रहा है, दिया हुआ कुछ ही है, तो यहां लिख देंगे क्या दिया हुआ क्या है, क्या है TN बराबर दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, कौन सा पद एकावन सौ बीस होगा, यानी कि TN दिया हुआ क्या है एकावन सौ बीस, प्रथम पद तो हम निकाल लेंगे क्या, वही जो स्टार्टिंग का जो पद होता है प्रथम पद, ठीक ना, तो ये बराबर पहले लिखिए देते हैं प्रथम पद, ये बराबर कितना हो जाएगा पांच, ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, आर बराबर रेशनल, आर बराबर क्या लिखे थे कि द्वितीय पद बटा प्रथम पद, यानी कि ए टू बाई ए वन, है ना, ए टू कौन है, ये ए टू ए थ्री ए फोर ए वन, ठीक, तो ए टू कितना है दस बटे पांच बराबर दो, ठीक, अब उसके बाद क्या आर टू बराबर निकालो कितना हो जाएगा ए थ्री बटे ए टू, ए थ्री कितना है बीस बटे ए वन, ए टू बराबर दस है, इसको जब हम काटेंगे कितना आएगा दो बार में, अब देखिए क्या हो गया आर वन बराबर आर टू बराबर आर बराबर कितना है दो, यही करते थे कि रेशियो हमारा बराबर होना चाहिए, लेकिन रेशियो बराबर है दो, तो हमारा आर का मान भी ज्ञात हो गया कितना, आर बराबर दो ए बराबर पांच, ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन, यही है ना, अब हम पुट कर दीजिए टी एन का मान कितना है इक्यावन सौ बीस बराबर ए का मान पांच गुने आर का मान कितना है दो, दो के पावर एन माइनस वन होगा, अब देखिए इसको आप इधर कीजिए क्या हो जाएगा इक्यावन बीस भागा पांच बराबर टू के पावर एन माइनस वन हो जाएगा, अब देखिए इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा भाग दीजिए तो एक दो सॉरी एक बार में लग जाएगा तो फिर एक उतरेगा नहीं लगेगा तो एक और उतारेंगे तो इसके लिए एक जीरो तब बारह तो पांच दुनी दस तो बचेगा ना दो जीरो तो पांच चौ बीस बराबर टू के पावर एन माइनस वन, ठीक है टू के पावर एन माइनस वन हो गया, ठीक है, अब यहां देखिए ये जो है ये कितना पावर है इसको दो के कितना पावर है लिखिए दस चौबीस दो से दीजिए कितना बार में आ जाएगा पांच बारह दो से कीजिएगा तो दो पांच छो दो से कीजिएगा तो कितना एक दो आठ दो से कीजिएगा तो छ चार दो से बत्तीस दो से सोलह दो से आठ दो से चार दो से दो दो, अब कितना गया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दो के पावर बराबर कितना हो गया दो के पावर दस बराबर दो के पावर एन माइनस वन, अब बेस जब समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं पावर को समान कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दस बराबर एन माइनस वन, तो एन का मान कितना हो जाएगा दस, इधर ए वन क्या है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो एन का मान कितना हो जाएगा ग्यारह, अतः ग्यारहवां पद कितना होगा अतः ग्यारहवां पद कितना होगा इक्यावन सौ बीस होगा, ठीक है ग्यारहवां पद क्या हो जाएगा
इक्यावन सौ बीस हो जाएगा। क्या किए, पहले संख्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था गुणोत्तर माध्य में पांच दस बीस और चालीस यन तक गया था। अब कह रहा था कि यनमा पद क्या था, इक्यावन सौ बीस था, ठीक है। जब यनमा पद इक्यावन सौ बीस था यानी कि अंतिम पद हो गया। अब पद की संख्या हमको नहीं पता कि कितना पद है, तो पहले हम क्या देख लेंगे कि जो दिया हुआ वो लिख लेंगे। दिया हुआ क्या है, अंतिम पद, प्रथम पद दिया हुआ है पांच, और ये रेशनल आर निकाल लेंगे, तो रेशनल आर निकालिए ए टू बटे ए वन और फिर ए थ्री बटे ए टू, दोनों का क्या गया बराबर आ गया दो दो, तो ये तो पता चल गया कि गुणोत्तर बाद में है, तो आर बराबर कितना दो। अब फॉर्मूला जो था टी एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस वन, पुट कर दीजिए, ठीक। जब पुट किए तो देखिए पांच इधर गुणा था इधर भाग में आ गया, काट दिए तो दस सौ चौबीस बराबर दो के पावर एन माइनस वन। अब देखिए ये बेस जितना रहेगा, ठीक ना, ये बेस जितना रहेगा, कोशिश कीजिएगा कि इसका गुणनखंड भी जो हो वो इस तरह से हो कि इसका भी बेस दो ही हो आगे, ठीक, पावर जितना आ जाए। तो जब इसका गुणनखंड हम किए तो सब देखिए दो आ रहा है, ठीक ना, तो देखिए दो का दो बेस अगर आप लेते हैं तो इस पर कितना पावर लेना पड़ेगा, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस पावर लेना पड़ा, तो दो के पावर दस बराबर दो के पावर एन माइनस वन, ठीक, तो दस बराबर एन माइनस वन, ठीक, तो एन बराबर क्या होगा, इधर वन प्लस में इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एन बराबर ग्यारह बन जाएगा। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन है, ठीक ना, देखो कथा गुणोत्तर श्रेणी एक प्लस चार प्लस सोलह प्लस चौसठ प्लस प्लस डैश के कितने पदों का योग चौवन इकसठ है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक, मान लो गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ वन प्लस फोर प्लस सोलह प्लस चौसठ प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। का ये बोल रहा है कि कौन सा पद, ये अनमा पद है, ठीक ना, कौन सा पद पूछ रहा है, कितना होगा चौवन सौ इकसठ होगा, ठीक। देखो इसमें पूछ ही रहा है, ठीक ना, देखो तुमको पूछ रहा है क्या एस एन बराबर, ठीक है, एस एन बराबर तुमसे पूछ रहा है, यानी कि पदों का एस एन बराबर, एस एन बराबर फॉर्मूला की होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन, कब, जब आर ग्रेटर देन वन। तो हम पहले देख लेते हैं, ये तो फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने का, होता है ना। अब देखो इस ये निकालने के लिए, ठीक ना, एस एन निकालने के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है कि पदों का योग इतना है, और क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है कितना चौवन इकसठ, ए बराबर प्रथम पद दिया हुआ है एक, तो क्या हो जाएगा ए, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर सेम नहीं है, ये जो है एक है प्लस चार है प्लस सोलह है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम उसका टेंशन नहीं लेंगे ना, हम क्या कर देंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। देखो एक को हटा दो, इसको तुम अलग रखो, ठीक, यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, प्रथम पद तो ये ले लिए, प्रथम पद जो था वो तो जोड़ दिए, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि आर निकालना है, ठीक, आर निकालने के लिए क्या करना है, ए थ्री भागा ए टू, ठीक, ए थ्री कितना है सोलह, सोलह भागा चार बराबर चार, आर वन, आर टू बराबर ए फोर बटे ए थ्री, यानी कि कितना
चौसठ बटे 16, तो 16 चौक 64, आर बराबर कितना 4। ठीक, तो आपको एस एम ज्ञात हो गया, ए ज्ञात हो गया और आर ज्ञात है। ठीक, अब आपको ज्ञात करना है एस एम का मान कितना दिया हुआ है, 5461 बराबर ए का मान आपको दिया हुआ कितना, एक प्रथम पद जो होता है, ठीक है, प्रथम पद हम फुट कर दिए, इंटू आर का मान कितना आया 4, तो आर का मान 4 के पावर कितना n माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। ठीक, तो फुट कर दीजिए कितना इसका मान हो जाएगा 5461 बराबर 4 के पावर n माइनस 1 बटे 3 होगा। अब जब ये आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर दीजिए इधर, तो कितना हो जाएगा, गुना करो, 3 एकम 3 छतिया 18 के 8 हमें बच गया 1, 4 तिया 12 1, 13 के 3 हमें बच गया 1, 5 तिया 15 1 16। अब बराबर कितना हो जाएगा 4 के पावर n माइनस 1। ठीक है, इतना ही ना होगा जी, आप देखो क्या कर रहा है, देखो इतना हो गया। ठीक है, अब इसमें तुमको क्या करना है, इधर गुणा में आ गया, अब इस पर इसका तुमको गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करके 4 के पावर में लाना है। ठीक है, तो 4 के पावर के लाभ में लाने के लिए इसका गुणनखंड करो। ठीक ना, देखिए सॉरी यहां पे क्या हो गया था कि मिस्टेक हो गया था, है ना, यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या है कि r के पावर n माइनस 1 है, हम क्या किए हैं कि n के माइनस 1 कर दिए हैं। ठीक है, n माइनस 1 नहीं है, ये पूरा में माइनस 1 है। ठीक, तो ये जब पूरा में माइनस 1 होगा, पूरा में माइनस 1 होगा तो इधर ये गुना हो गया और ये कितना हो गया बराबर 4 के पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा 16383, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 4 के पावर n। अब ये कितना हो जाएगा 16384 बराबर 4 के पावर n। ठीक ठीक, तो जब ये हो जाएगा, अब देखो इसमें क्या है, बेस क्या है 4 है। ठीक ना, तो बेस अगर 4 है तो इसको इस तरह से गुणनखंड करना है कि इसके इसका भी क्या जाए, बेस 4 है और उसके बाद जितना भी पावर है वो पावर आ सकता है, तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 16384 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो देखिए 16384 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 4 से लगाएंगे कितना आएगा, 4 96 98 होगा, 16। ठीक है, 4 4 16, फिर देखो एक संख्या में नहीं लगेगा तो एक संख्या और लेंगे क्या, 38 38 ले लेंगे तो क्या आएगा, एक जीरो दे देंगे, अब 9 4 36 36 आ जाएगा तो कितना बचेगा 2 और ये 4, तो 6 6 24, तो 40 96 आ जाएगा, 40 96 में 4 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 10 6 40 24 96 10 96 4 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 256 256 में 4 से भाग देंगे तो 64 और फिर 4 से भागा देंगे तो 16 और 16 में 4 से भागा देंगे तो 4। देखिए कितना 4 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितना हो जाएगा 4 के पावर 7 बराबर 4 के पावर n, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 7। अतः क्या हो जाएगा, अतः 7 पदों का योग जो होगा वो कितना होगा 5461 होगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा।